So friends, good morning everybody. And today's topic is Nirav Modi scam, PNB scam. Okay, heard a lot about this topic recently in news. So jaan lete exactly ki hua kya tha is case mein aur kaise ye scam ko anjaam diya gaya. Okay, so as you all know, PNB bank ka introduction dene ki aapko bahut zyada zarurat nahi hai, but this person Nirav Modi, who is exactly Nirav Modi? कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी का भाई है, हाँ, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं. मोदी सरनेम सेम है, बाकी एग्जैक्टली नीरव मोदी का बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले. सो दिस पर्सन ही वॉज बॉर्न इन गुजरात, दैट इज द अगेन कॉमन थिंग. ओके, ही वॉज बॉर्न इन गुजरात एंड ही लिव्ड इन बेल्जियम. ओके, एंड दिस पर्सन ही एज यू ऑल नो ही स्टार्टेड दिस ब्रांड नीरव मोदी आउटलेट्स, यू नो दिस, हाँ, एंड ही इज इन टू डायमंड्स एंड ज्वेलरी बिजनेस. कब से शुरुआत हुई थी इस बिजनेस की, कैसे डायमंड्स के बिजनेस में ये एंटर हुए? तो सबसे पहले नीरव मोदी का कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं. फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से 2017 का रैंकिंग अगर देखा जाए तो नीरव मोदी इज द 57th रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया. ओके, 57th रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया हु हैज गिवन दिस स्कैम टू PNB एज अ गिफ्ट. ओके, एंड बेल्जियम से नीरव मोदी आए मेनली मुंबई में टू स्टडी द बिजनेस ऑफ ज्वेलरी एंड मेनली डायमंड्स टू हिज अंकल. हिज अंकल इज मेहुल चौकसी. यू हैव हर्ड हिज नेम, मेहुल चौकसी. ही इज हैविंग दिस ब्रांड गीतांजलि जेम्स, जो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेवरेट ब्रांड है. हॉलीवुड सेलिब्रिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट बॉलीवुड ऑल्सो. सो हॉलीवुड सेलिब्रिटी का फेवरेट ब्रांड है गीतांजलि ब्रांड, जिनके मेहुल चौकसी जो है वो ओनर है. तो उनका बिजनेस स्टडी करने के लिए नीरव मोदी वॉज इन इंडिया फ्रॉम बेल्जियम. देन ही स्टार्टेड हिज कंपनी फायर स्टोन डायमंड्स इन द ईयर 1999. मतलब स्टडी करने के बाद, पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी करने के बाद उन्होंने खुद का ब्रांड स्टार्ट किया फायर स्टोन डायमंड्स. एंड देन स्लोली इवेंचुअली उन्होंने खुद के नाम से ब्रांड स्टार्ट किया नीरव मोदी. आप सबको पता है ये आउटलेट्स आपको दिखते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी होते हैं, तो ये आउटलेट्स आजकल बंद दिखेंगे आपको, बट पहले दिखते थे. हाँ, सो दिस आउटलेट्स ही स्टार्टेड आफ्टर फ्यू ईयर्स इन द ईयर 2005 अराउंड दिस टाइम. एंड देन स्लोली स्लोली इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी, फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर दिस ब्रांड, नीरव मोदी ब्रांड. ओके, देन पंजाब नेशनल बैंक, एज यू ऑल नो दिस इज PSU बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनर है. पंजाब नेशनल बैंक इज मल्टी नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. दिस वॉज फाउंडेड इन 1894. ओके, बहुत साल पुराना ब्रांड है. एंड हेडक्वार्टर्स इनका दिल्ली में है. एंड इनका टोटल एसेट्स 6,66,000 करोड़ का है, जिसमें से कुछ थाउजेंड करोड़ नीरव मोदी ले गए. ओके, टोटल एसेट नेटवर्थ एंड द ओनर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफकोर्स. एंड एज यू ऑल नो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया आफ्टर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी कि एक नॉर्मल इम्पोर्टर के केस में अगर वो विदाउट लोन जाता है तो वो क्या करता है. अगर आप इंडिया में हो और आपको कोई आउट ऑफ इंडिया से कुछ गुड्स मंगाने हैं, मे बी डायमंड वगैरह, आप डायमंड ट्रेडर हो और आपको इंडिया के बाहर से कुछ गुड्स मंगाने हैं और आप कोई लोन वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे हो इसके लिए, आप नॉर्मली इम्पोर्ट करोगे. आप सपोज एक्सपोर्टर ऑफ हांगकॉन्ग ले लेते हैं एंड यू आर इम्पोर्टर ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे, एक्सपोर्टर आपको एक्सपोर्ट करेगा डायमंड्स और उसके बदले में बाय डिफॉल्ट आप उसको क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे, और इसमें कोई लोन प्रोसीजर वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है. ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आप सबको पता है. एनी एक्सपोर्टर व्हेन ही एक्सपोर्ट गुड्स ऑब्वियसली यू नीड टू मेक पेमेंट एंड दिस इज विदाउट लोन. नाउ यही सेम चीज अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल प्रोसीजर विथ लोन, तो उस केस में क्या हो सकता है. एक्सपोर्टर ऑफ हांगकॉन्ग एंड इम्पोर्टर ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स ही एक्सपोर्ट्स डायमंड्स टू यू, दैट मीन्स यू आर इम्पोर्टर ऑफ डायमंड इन इंडिया. एंड देन वॉट यू डू, यू अप्रोच अ फॉरेन बैंक. एक फॉरेन बैंक को आप अप्रोच करते हो फॉर बायर्स क्रेडिट. कंसेप्ट का नाम क्या है, बायर्स क्रेडिट. एंड फॉरेन बैंक को आप इसलिए अप्रोच कर रहे हो क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी कम होता है. आउट ऑफ इंडिया से बोरो करना ये सस्ता गिरता है. एंड उसका दूसरा कन्वीनियंस ये है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बोरो करते हो तो ऑब्वियसली वहां का बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है एक्सपोर्टर ऑफ हांगकॉन्ग को, तो आपको एक्सचेंज के झमेले में गिरने की जरूरत नहीं रहेगी.
आप समझ रहे हो? तो ये पूरे केस में क्या हो रहा है, इंपोर्टर ऑफ इंडिया इज गिविंग, ही इज एक्चुअली बोरिंग फ्रॉम फॉरेन बैंक बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस एंड देन फॉरेन बैंक इज मेकिंग पेमेंट टू द एक्सपोर्टर. द होल प्रोसेस विदाउट लोन था पहले वाला एंड नाउ दिस इज विथ लोन. विथ लोन डिटेल्ड प्रोसीजर देखते हैं थोड़ा सा. एक्सपोर्टर ऑफ हांगकॉन्ग अगर है और आप इंपोर्टर ऑफ इंडिया हो तो आप सबसे पहले ऑर्डर देते हो डायमंड्स का, फिर वो सामने वाला आपको डायमंड का डिलीवरी दे सकता है, इनवॉइस देगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स भेजेगा. ओके, ये इनवॉइस और इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोकल बैंक को सबमिट करते हो, मे बी पंजाब नेशनल बैंक. आपने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक को ये सभी डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए एंड पंजाब नेशनल बैंक को बोला कि हमको बायर्स क्रेडिट चाहिए. क्या चाहिए? बायर्स क्रेडिट. पंजाब नेशनल बैंक बोलेगा कि आपको जितने अमाउंट के बायर्स क्रेडिट चाहिए उसके अगेंस्ट में हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करो ताकि हम आपको बायर्स क्रेडिट दे पाए. तो फिर आप एज ए इंपोर्टर ऑफ इंडिया क्या करोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे किसको, पंजाब नेशनल बैंक को, जिसके पास आपने अप्लाई किया था लोन के लिए. नाउ व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स, इन दिस केस पंजाब नेशनल बैंक विल टेक द ड्यू डिलीजेंस ऑफ योर कंपनी. व्हाट इज एग्जैक्टली ड्यू डिलीजेंस, आपकी कंपनी के छानबीन करेगी कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है क्या, आपको लोन देने लायक आप हो क्या, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन इतने स्ट्रांग है क्या कि आपको लोन दिया जा सकता है. इसको बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस. ये ड्यू डिलीजेंस करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक विल गिव द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू फॉरेन बैंक. LOU बोलते हैं इसको, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. एग्जैक्टली होता क्या है ये अपन लोग दो सेकंड बाद देखेंगे. तो पंजाब नेशनल बैंक वॉज अ लोकल बैंक फॉर यू बिकॉज इट इज एन इंडियन बैंक एंड उन्होंने फॉरेन बैंक को LOU दिया एंड फिर फॉरेन बैंक को LOU देने के बाद ऑब्वियसली फॉरेन बैंक विल मेक द पेमेंट टू एक्सपोर्टर. ये पूरे प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हो गया, अभी पंजाब नेशनल बैंक इन्वॉल्व हो गया, मतलब लोकल बैंक इन्वॉल्व हो चुका है. एंड आपने किसको अप्लाई किया, फॉरेन बैंक को नहीं अप्लाई किया, आपने लोकल बैंक को अप्लाई किया और लोकल बैंक के थ्रू आप फॉरेन बैंक को अप्लाई कर रहे हो. और इस पूरे सिस्टम ऑफ बोरिंग को क्या बोलते हैं, बायर्स क्रेडिट. आप बायर्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो PNB को एंड PNB बदले में आपको बोल रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट दो एंड फिर आपको PNB क्या दे रहा है, आपके बिहाफ पे LOU दे रहा है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. किसको दे रहा है, फॉरेन बैंक को एंड फिर फॉरेन बैंक पेमेंट करेगा. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली इज LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है. जब एक फॉरेन बैंक को लोकल बैंक अप्रोच करता है फॉर लोन तो ऑब्वियसली फॉरेन बैंक बोलता है कि बोरोर तो इंडिया में है और आप भी इंडियन बैंक हो, हम बोरोर को नहीं जानते, तो एक काम करो आप बोरोर की गारंटी ले लो, हम लोन दे देंगे. अगर कल जाके बोरोर ने डिफॉल्ट किया तो पैसा कौन देगा, इंडियन बैंक पैसा देगी. फिर जिसने गारंटी दिया था वो इंडियन बैंक पैसा देगी. इन दिस केस पंजाब नेशनल बैंक वॉज अ लोकल बैंक ऑफ इंडिया एंड इन्होंने क्या किया, फॉरेन बैंक को ऑब्वियसली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया जिसके तहत फॉरेन बैंक ने लेंडिंग किया है. अब अल्टीमेट लायबिलिटी किस पे आ गई, पंजाब नेशनल बैंक पे आ गई. बट पंजाब नेशनल बैंक ने आपको ऐसे ही लगता है कि LOU उठा के दे देते, नहीं, ऑब्वियसली बदले में वो क्या लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं. कल जाके बोरोर डिफॉल्ट करता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा लिक्विडेट करके पेमेंट किया जा सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, दिस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इज गिवन बाय डैश बैंक, इंडियन बैंक टू फॉरेन बैंक. ऑब्वियसली दैट इंडियन बैंक इज नाउ एक्टिंग एज अ गारंटर फॉर द इंडियन बोरोर. ओके, Giving guarantee, LOU is nothing but giving guarantee of principal amount plus interest to foreign bank that if Indian borrower defaults, PNB will act as a guarantor to pay the principal and interest to the foreign bank. This LOU is given against commission from borrower. Obviously, Punjab National Bank क्यों interested रहेगा ये सब करने में, बदले में उसको मिलता है commission जो उसका business है, बैंकिंग बिजनेस है. आप इंडिया में भी चले जाओ, बैंक गारंटी मांग लो, आपको बैंक गारंटी मिल जाएगी बट अगेंस्ट कमीशन. बदले में बैंक इंटरेस्ट नहीं ले सकता, इंटरेस्ट सिर्फ लेंडिंग पे लिया जा सकता है. जब लेंडिंग हुआ ही नहीं है, यहाँ पे एक लेटर दिया गया है सिर्फ, और लेटर में क्या लिखा है कि अगर ये पर्सन डिफॉल्ट होता है तो हम जिम्मेदार है और उसके बदले में बैंक को मिलता है कमीशन. नाउ फ्रेंड्स, इंटरबैंक कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट. स्विफ्ट क्या सिस्टम होता है, देखिए अगर हांगकांग में एक्सिस बैंक है, सपोज हांगकांग में एक्सिस बैंक है एंड इंडियन बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो इंडियन बैंक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा फॉरेन बैंक को एंड
through SWIFT system, it will give instruction to give buyers credit to Indian borrower. कौन से सिस्टम के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? स्विफ्ट सिस्टम. ये स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? स्विफ्ट इज नथिंग बट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. मतलब दो बैंक्स के बीच जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस को स्विफ्ट सिस्टम बोलते हैं. एक बैंक जब दूसरे बैंक को कुछ कम्युनिकेट करता है एक पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू करता है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट मैसेजेस. तो पंजाब नेशनल बैंक ने जब LOU दिया था, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया था फॉरेन बैंक को, तो उन्होंने उसके साथ साथ क्या भेजा था? एक स्विफ्ट मैसेज भेजा था. और वो स्विफ्ट मैसेज क्या था कि हमारे इंडियन बोरोअर को आप बायर्स क्रेडिट दे देना चाहिए. और ऑब्वियसली इसके बदले में फिर फॉरेन बैंक बोलेगा जिम्मेदार कौन है? तो ऑब्वियसली PNB बोलेगा हम लोग जिम्मेदार है बिकॉज वी आर गिविंग यू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग. We are giving you letter of undertaking. अगर कल जाके इंडियन borrower डिफॉल्ट करेगा तो हम पैसा देने को रेडी है. तो एक्सिस बैंक इन हांगकॉन्ग एंड इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मैसेजेस एंड दैट मैसेजिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज स्विफ्ट. होप यू अंडरस्टैंड. ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होल प्रोसीजर जो हुआ था. इसके बीच ये पूरे प्रोसीजर के बीच एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है जिसको नॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं. नॉस्ट्रो अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है? ये फॉरेन बैंक है एक्सिस बैंक एंड ये इंडियन बैंक है पंजाब नेशनल बैंक. जब पंजाब नेशनल बैंक मैसेजेस भेजेगा थ्रू स्विफ्ट ऑब्वियसली फिर फॉरेन बैंक लेंडिंग कर सकता है. बट फॉरेन बैंक लेंडिंग किस में करेगा? नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB. किस में वो पैसा ट्रांसफर होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB. और वो नॉस्ट्रो अकाउंट से फिर लेंडर का पेमेंट किया जाता है, सॉरी बोरोअर का पेमेंट किया जाता है. तो इन दिस केस द बोरोअर इंडियन बोरोअर ही नीड टू मेक पेमेंट आउट ऑफ इंडिया. तो आउट ऑफ इंडिया पेमेंट करने के लिए फॉरेन बैंक रेडी है. बट फॉरेन बैंक विल गिव मनी इन द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB एंड फिर PNB के नॉस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट जाता है एक्सपोर्टर को. तो पूरा प्रोसीजर कुल मिला के ऐसा हुआ कि बोरोअर ने अप्लाई किया, फॉरेन बैंक को अप्लाई किया डायरेक्टली नहीं, इंडियन बैंक को अप्लाई किया. इंडियन बैंक ने बदले में क्या किया? फॉरेन बैंक को अप्रोच किया और फॉरेन बैंक को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दिया और स्विफ्ट मैसेज के थ्रू उनको बोला कि बायर्स क्रेडिट दिया दे देना चाहिए. एंड देन फॉरेन बैंक ने बायर्स क्रेडिट का अमाउंट किस में ट्रांसफर किया? नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर किया. और फिर वो नोस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट किसको गया? एक्सपोर्टर को गया. इंडियन बैंक हैविंग अकाउंट विद फॉरेन बैंक इज कॉल्ड एज नोस्ट्रो अकाउंट. अगर सिंपल भाषा में, लेमन भाषा में अगर बात करें तो हमारे इंडियन बैंक का खाता फॉरेन बैंक के साथ जो होता है उसको नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं. ओके तो इंडियन बैंक के खाते में वो पहले पैसा आता है और फिर वो पैसा एक्सपोर्टर को पे किया जाता है. इंडियन अकाउंट, इंडियन बैंक के खाते में जो पैसा आएगा नोस्ट्रो अकाउंट में वो कौन ट्रांसफर करेगा? फॉरेन बैंक. अब देखिए नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होना चाहिए. अगर ये सब चीजें एक साथ समेट लेते तो हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ हांगकांग, इंपोर्टर ऑफ इंडिया एंड देर इज अ लोकल बैंक इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक एंड देर इज ओवरसीज बैंक फॉरेन बैंक जिसका नाम है एक्सिस बैंक हांगकांग. अब एक्सपोर्टर विल एक्सपोर्ट द गुड्स टू इंपोर्टर. इंपोर्टर क्या करेगा? उस गुड्स के इनवॉइस को और अदर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा पंजाब नेशनल बैंक को. Along with the security deposit, it will now say to give dash buyer's credit. Okay. Now, Punjab National Bank will make the due diligence of the whole procedure. Pura chhanbin karega ki loan dena chahiye, nahi dena chahiye. And uske baad, Punjab National Bank will give swift message and LOU to foreign bank. Okay. Swift message ke through kya communicate kiya gaya? Ki buyer ko, borrower ko credit de dena chahiye. And LOU ke through kya hua? हम गारंटी लेते हैं कि बोरोअर ने पैसा नहीं दिया तो हम पैसा देंगे. अब क्या होगा देखिए. एक्सिस बैंक हांगकांग विल मेक द ट्रांसफर टू नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB, नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ PNB एंड देन फ्रॉम देयर द पेमेंट विल बी मेड टू एक्सपोर्टर ऑफ हांगकांग. ये पूरा प्रोसीजर है. अब इस पूरे प्रोसेस में लॉजिकली स्पीकिंग इंपोर्टर शुड मेक द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट टू PNB एंड देन PNB विल मेक द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट टू फॉरेन बैंक. अंडरस्टूड क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे पूरे प्रोसीजर में अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया तो क्या होगा? फिर भी PNB ने पेमेंट देना चाहिए एक्सिस बैंक को. क्या बोल रहे हम लोग? फिर भी PNB ने पेमेंट देना चाहिए एक्सिस बैंक को. अब देखिए
इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीएनबी स्टाफ इन दिस होल स्कैम. एज यू हैव हर्ड इन द न्यूज कि पीएनबी का स्टाफ इन्वॉल्व था जिनको जेल में बंद किया है अभी. तो नीरव मोदी हैज एक्चुअली यू कैन से हायर्ड इनडायरेक्टली ब्राइब किया गया दो ऑफिशियल्स को जिनको ये पूरा सिस्टम हैंडल करने का एक जिम्मेदारी हैंड ओवर किया. किसने? नीरव मोदी ने. एंड नीरव मोदी अब क्या कर रहा है द होल प्रोसीजर कि नीरव मोदी ने टॉप ऑफिशियल्स को डेप्यूटी मैनेजर वाले पोस्ट वाले पर्सन को डायरेक्टली ब्राइब करके ये पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया. एंड नीरव मोदी क्या बोलते हैं अभी कि बायर्स क्रेडिट के लिए जब भी हम लोग पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई करेंगे ये ब्रैडी हाउस ब्रांच में ये पूरा घोटाला हुआ था. तो ब्रैडी हाउस ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांच मतलब इट्स इन मुंबई ओके. यहाँ पे जब भी हम लोग बायर्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करेंगे तब बायर्स क्रेडिट के लिए आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू कर देना चाहिए बट विदाउट सिक्योरिटी. विदाउट सिक्योरिटी इसका मतलब क्या हुआ? लेटर ऐसा दिया जा रहा है कि हम नीरव मोदी के कंपनी के लिए गारंटी दे रहे हैं और बदले में बैंक के पास कोई गारंटी का अमाउंट नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है. एंड एलओयू डायरेक्टली इशू किए गए थे एक्सिस बैंक हांगकांग एंड अलाहाबाद बैंक हांगकांग को. ये दोनों फॉरेन बैंक में, ये फॉरेन ब्रांचेस है ओके. इनको एलओयूज इशू किए गए थे. कौन इशू कर रहा था? पंजाब नेशनल बैंक के ये दो ऑफिशियल्स इशू कर रहे थे एंड बदले में पंजाब नेशनल बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे कुछ भी नहीं था, बेसलेस था ओके. नाउ द एलओयूज स्लोली इवेंचुअली अमाउंटेड टू हाउ मच? 11,000 crores. This scam was running from past 7 years. 2011 से ऐसे LOUs without security issue किए गए थे and धीरे धीरे accumulate होकर ये amount कहाँ तक grow हो गया था? 11,000 crores तक grow हो चुका था. Now friends, flow of transaction in PNB's case. Punjab National Bank के case में flow of transaction कैसे हुआ था? एक्सपोर्टर्स यूजुअली एक्सपोर्ट करते थे इंपोर्टर को जो नीरव मोदी की कंपनीज रहती थी. एंड पंजाब नेशनल बैंक वॉज द इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक वॉज नॉर्मली दो बैंक्स. कौन से? एक्सिस बैंक हांगकांग एंड अलाहाबाद बैंक हांगकांग. नाउ फ्रेंड्स जब जब डिलीवरी होती थी ये लोग इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देते थे. सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहिए बट देते नहीं थे. एंड देन ड्यू डिलीजेंस होता था एंड देन स्विफ्ट मैसेज के थ्रू LOU वगैरह स्विफ्ट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता था एंड LOU वगैरह सब कुछ फॉरवर्ड किया जाता था फॉरेन ब्रांच को. एंड फॉरेन बैंक क्या करती थी? नॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट करके ये पेमेंट आगे एक्सपोर्टर को चला जाता था. एक्सपोर्टर का ट्रांजैक्शन रुक रहा है क्या? नहीं, कहीं पर भी. अब ये पूरे गड़बड़ इसमें पूरे प्रोसेस में गड़बड़ क्या हो गया? सिक्योरिटी डिपॉजिट इज मिसिंग, बराबर ना? अब देखिए क्या होता है. एक्सपोर्टर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देना चाहिए किसको? पंजाब नेशनल बैंक को, बट वो भी नहीं जाता था. एंड स्लोली इवेंचुअली ये रीपेमेंट्स नहीं होने की वजह से आगे पीएनबी को रीपेमेंट करना पड़ेगा क्या? ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने एलओयू इशू किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किया. इसलिए क्या हो रहा है देखिए, पंजाब नेशनल बैंक इज मेकिंग पेमेंट टू एक्सिस बैंक हांगकांग बट बदले में उनको सामने पेमेंट नहीं मिल रहा है. आर यू गेटिंग इट? एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है. अब क्या होगा? जब भी ये स्कैम सामने आएगा तब ये पूरा पिक्चर क्लियर होगा और समझेगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के बगैर एलओयू इशू किया था तो हमारे पास अब रिकवरी के लिए कुछ भी बचा नहीं है. कोर बैंकिंग सिस्टम CBS बोलते हैं इसे. ये भी एक सिस्टम होता है बैंक का. हम लोग देख रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी ऐसा इशू किया जा रहा है एलओयू एंड बैंक चल रहा है, रीपेमेंट्स नहीं हो रहे फिर भी बैंक चल रहा है. ये सब होना चाहिए था क्या? देर हैज टू बी सम स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन बैंकिंग जिसके तहत ये सब कंट्रोल में रहे. इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम. एंड कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक बैंक जब भी LOU इशू करता है तो उसकी एंट्री CBS में होती है, कोर बैंकिंग सिस्टम में होती है. बट पंजाब नेशनल बैंक के केस में ऑफिशियल्स ने जब जब, ये जो दो ऑफिशियल करप्टेड ऑफिशियल्स थे, इन्होंने जब जब इशू किया था LOU, इन्होंने इसका कोई एंट्री CBS में नहीं किया. आर यू गेटिंग इट? एंड पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स थ्रू स्विफ्ट सिस्टम इंस्ट्रक्ट करते थे टू दिस टू बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, टू इशू बायर्स क्रेडिट टू नीरव मोदी कंपनीज. नीरव मोदी के जो भी कंपनीज थे उनको बायर्स क्रेडिट दे दो, ये स्विफ्ट मैसेज के थ्रू वो लोग कम्युनिकेट करते थे फॉरेन बैंक को. बट बदले में CBS में एंट्री होती ही नहीं थी, LOU इशू हो जाता था और फॉरेन बैंक को क्या चाहिए? LOU चाहिए, खत्म. उनको थोड़ा ना पता एंट्री हो रही या नहीं हो रही है. CBS में एंट्री हो रही या नहीं हो रही है ये तो एक्चुअली बैंक का इंटरनल कंट्रोल है जो होना चाहिए. आर यू गेटिंग इट?
स्विफ्ट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम को समझ लेते हैं सबसे पहले. जब भी कोई स्विफ्ट मैसेज एक्सचेंज होते हैं नॉर्मली विद इन बैंक्स, तो इनका डायरेक्टली लिंकिंग होता है सीबीएस में. मतलब आप एंट्री करने की जरूरत नहीं है, एंट्री बाय डिफॉल्ट हो जाएगी जब जब मैसेजेस एक्सचेंज हो जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? स्विफ्ट में जब भी बैंक के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, उनका बाय डिफॉल्ट एंट्री किसमें हो जाता है? सीबीएस के साथ हो जाता है, क्योंकि कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ वो लिंक्ड रहते हैं. एंड दूसरी बात, इन पीएनबी केस ऐसे स्विफ्ट मैसेजेस का कोई लिंकिंग सीबीएस के साथ नहीं था, और इसी का फायदा उठाया फ्रॉड में. ये जो दो ऑफिशियल्स थे, इनको पता चल गया था कि जब हम एलओयू इशू करते हैं, जब हम स्विफ्ट मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो सीबीएस में डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, हमें मैन्युअली करनी पड़ती है. एंड मैन्युअली एंट्री नहीं करेंगे तो किसी को पता चलेगा ही नहीं. ये लॉजिक से ये स्कैम को नतीजा दिया गया था, एक्चुअली अंजाम दिया गया. तो एग्जैक्टली स्विफ्ट मैसेजेस जब एक्सचेंज हुए थे, जब इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को बोलता है कि बायर्स क्रेडिट दे दो, तो बाय डिफॉल्ट इसका एंट्री किसमें हो जाना चाहिए? सीबीएस में. मैन्युअली एंट्री करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बट ये पीएनबी के केस में नहीं होता था. सो रीजंस फॉर स्कैम, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्विफ्ट मैसेजेस वेर नॉट लिंक्ड विद सीबीएस, फर्स्ट रीजन. एंड सेकेंड रीजन वॉज, एलओयू जब भी इशू होता था उसका कोई एंट्री सीबीएस में नहीं करते थे ये लोग. तो दूर दूर तक बैंक ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, इसका सिस्टम में एंट्री नहीं हो रहा है. और क्योंकि सिस्टम में एंट्री नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑडिटर्स जब भी ऑडिट करने आते थे, तो उनको समझता ही नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है. वो लोग तो नॉर्मली अपना एंट्री करता था, सीबीएस पूरा चेक होता था, और सीबीएस में एंट्री होती ही नहीं थी, तो वो लोग क्या करे? उनको पता ही नहीं चलता था कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. स्विफ्ट मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, बायर्स क्रेडिट दिया जा रहा है, एंड एलओयू इशू हो रहा है जिसका कोई एंट्री सीबीएस में नहीं है, स्विफ्ट मैसेजेस का कोई एंट्री सीबीएस में नहीं है. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स. एंड ऑडिटर्स जब भी एनुअल अकाउंट्स ऑडिट करने आते थे, उनको अंदाजा ही नहीं रहता था कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है. 7 years दिस वॉज हैपनिंग एंड देर वॉज एब्सोल्यूटली नो क्लू. फिर एग्जैक्टली हुआ क्या जिससे ये सामने आया? जनवरी 2018 में नीरव मोदी की कंपनीज, जो भी ये 3-4 कंपनी के नाम है, डायमंड आर यू एस, सोलार एक्सपोर्ट्स एंड स्टेलर डायमंड्स, इन कंपनीज ने रिक्वेस्ट किया बायर्स क्रेडिट विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट टू पीएनबी. पीएनबी ने जब ये बायर्स क्रेडिट का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, तो उस टाइम पे उस फेज में ये जो दो मैनेजर्स थे, इनमें से एक डिप्टी मैनेजर रिटायर हो चुका था और नया डिप्टी मैनेजर उसके प्लेस पे आ गया था. ओके, जिसके साथ सेटिंग था वो चला गया एंड नया एक डिप्टी मैनेजर आ चुका था वहां पर. एंड नया डिप्टी मैनेजर आने के बाद, ऑब्वियसली डिप्टी मैनेजर ने ये रिक्वेस्ट सुनने के बाद इंस्ट्रक्ट किया नीरव मोदी की कंपनीज को कि आपने डिपॉजिट देना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहिए, तब जाके हम आपको एलओयू इशू कर सकते या बायर्स क्रेडिट इशू कर सकते, आपके बिहाफ पे एलओयू इशू करेंगे या बायर्स क्रेडिट आपको दिलवाएंगे. बट फिर नीरव मोदी के कंपनीज ने रिप्लाई किया कि ऐसा कोलैटरल डिपॉजिट हमने आज तक कभी नहीं दिया है, पहले से क्रेडिट लेते आ रहे हैं, हमने ऐसा कोलैटरल डिपॉजिट कभी दिया नहीं और पहले से क्रेडिट लेते आ रहे हैं. और जब ये समझा डिप्टी मैनेजर को, नए डिप्टी मैनेजर को, तो उस नए डिप्टी मैनेजर ने क्या किया, फिर चेक किया पीएनबी के रिकॉर्ड्स में. और सीबीएस चेक करने के बाद उसको पता चला कि ऐसा कोई एंट्री है ही नहीं कि नीरव मोदी के कंपनी को क्रेडिट दिया गया है. आर यू गेटिंग इट? अब तक जितने भी क्रेडिट दिए गए, बायर्स क्रेडिट, उसका एंट्री सीबीएस में नहीं मिला. और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता चला कि ये बड़ा फ्रॉड है. और फिर ये पूरा झमेला सामने आया 7 सालों का, एंड टोटल अमाउंट 11,400 करोड़ का स्कैम था. और इनके बैकिंग में पीएनबी के पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, इसका सीबीएस में कोई एंट्री नहीं था, स्विफ्ट मैसेजेस का भी एंट्री नहीं था, सिर्फ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स इशू किए जा रहे हैं एंड बायर्स क्रेडिट डायरेक्टली दिलवाया जा रहा है नीरव मोदी की कंपनी को. अल्टीमेट लायबिलिटीज क्या लगता है आपको ये पूरे प्रोसेस में? नीरव मोदी तो सपोज अभी नहीं है, भाग गए, क्या होगा अभी? अल्टीमेट लायबिलिटी किस पर है? ये पीएनबी पे आ चुकी है अभी. नीरव मोदी कंपनीज हैव नॉट रिपेड सच बायर्स क्रेडिट लायबिलिटीज एंड दस ऑल दिस लायबिलिटीज आर नाउ ऑन पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सिंस पंजाब नेशनल बैंक हैज इशूड एलओयूज टू फॉरेन बैंक गिविंग नीरव मोदी कंपनीज फॉर गिविंग नीरव मोदी कंपनी. जो भी गारंटी इशू किया गया था वो किसने किया गया था? पीएनबी ने किया. तो ऑब्वियसली इसका पूरा जिम्मेदारी अभी किस पर है?
पीएनबी पर है. कैन आई से अकाउंटिंग के भाषा में इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी बोल सकते हैं जो पीएनबी पर आ चुका है. एंड पीएनबी हैज नो सोर्स ऑफ डायरेक्ट रिकवरी ऑफ दिस ऑल अमाउंट बिकॉज इट हैज इशूड एलओयूज विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट. सीबीआई में केस फाइल हुआ. अकॉर्डिंग टू सीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या बोलते हैं नीरव मोदी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, उनके वाइफ के अगेंस्ट केस फाइल किया है एमी मोदी, एंड उनके भाई के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है बिकॉज दीज आर ऑल द पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, एंड उनके अंकल के अगेंस्ट भी केस फाइल हुआ है जिनका नाम है मेहुल चौकसी. ये चारों अभी इंडिया के बाहर है ऑब्वियसली. आफ्टर द स्कैम प्रियंका चोपड़ा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया उस ब्रांड के साथ. पंजाब नेशनल बैंक का शेयर का प्राइस 10% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है. एंड गीतांजलि जेम्स विद इन 3 days 64 से 37 रुपीज पर आ चुका है. शेयर का दाम जो 64 रुपीज चल रहा था वो 37 रुपीज पर विद इन 3 days पहुंच गया है. ये सब स्कैम के बाद हुआ है. एंड फ्रेंड्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्होंने जब छापे मारे नीरव मोदी के घर पे, उनके आउटलेट्स पर और 17 अलग अलग प्लेसेस पे उन्होंने छापे मारे, और उन्होंने 5100 करोड़ के एसेट जब्त कर लिए उनके पास से. एटलीस्ट इतना रिकवरी तो हो सकता है. ओके, 5100 करोड़ के. ओके, टोटल स्कैम कितना था? 11,000. तो फिर अभी तक वे टू गो. हाँ, एंड इनके अलावा फिर आफ्टर द स्कैम गीतांजलि जेम्स के ग्रुप ऑफ कंपनीज पे भी छापे मारे गए 20 अलग अलग प्लेसेस पे. एंड सीबीआई ने छापे मारने के बाद इनके पास से भी रिकवरी प्रोसीजर अभी तक शुरू है, क्योंकि ये भी तो पार्टनर थे उस कंपनीज में, ये पूरे स्कैम में वो भी शामिल थे. नीरव मोदी वेंट आउट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सीबीआई ऑन 1st of January 2018 न्यू ईयर से उधर ही है. एंड उनके वाइफ, भाई और अंकल भी इंडिया के बाहर चले गए स्कैम करने के बाद. ये कॉमन हो चुका है आजकल, इंडिया में स्कैम करो और बाहर चले जाओ. अब कुछ फैक्ट्स आपको मैं बता दूं आरटीआई के मुताबिक. ओके, पंजाब नेशनल बैंक इटसेल्फ, सिर्फ बाकी आगे बैंक की बात भी नहीं करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे. पिछले 5 सालों में इनके पास 389 फ्रॉड हो चुके हैं, एंड 389 फ्रॉड के अमाउंट जो है, मनी लॉस जो है वो दैट इज 6500 करोड़, और उसमें एडिशन हो गया है 11000 करोड़ का. तो दिस इज अलोन पंजाब नेशनल बैंक का हिस्ट्री, फ्रॉड का हिस्ट्री है. सोचिए मेजर स्कैम्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जो मेजर स्कैम इंडिया में हुए थे उनमें से विजय माल्या का स्कैम 9000 करोड़ का था. ये सब मैं आपको राउंड फिगर्स बता रहा हूं, इनका एग्जैक्ट फिगर तो अपने पास अगर डिटेल में निकाला जाए तो फिर कैलकुलेटिव बन जाएंगे अपन, बट अगर हम लोग प्राइमा फेस या कैलकुलेशन करें, 9000 करोड़ ऑफ विजय माल्या, अगेन स्कैम इन इंडिया, नाउ ही इज आउट ऑफ इंडिया. फिर उसके बाद जतिन मेहता, ही इज अनदर पर्सन हु हैज मेड द स्कैम, अगेन द क्वांटम इज 6800 करोड़. टोटल स्कैम क्वांटम इज 6800 करोड़, आउट ऑफ विच ओनली पीएनबी अमाउंट इज 1800 करोड़. ओनली पीएनबी अमाउंट इज, पंजाब नेशनल बैंक का अमाउंट इनका 1800 करोड़ का है. ओके, एंड इसके अलावा अभी ये नया एडिशन आ गया नीरव मोदी का 11400 करोड़. कैन इमेजिन ये सब पैसा एक्चुअली किसका है? टैक्सपेयर का ही पैसा है ना जो हमारा जा रहा है, बिकॉज ऑल दिस बैंक्स जनरली दे आर पीएसयू बैंक, एंड इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा कौन दे रहा है? हम ईमानदार टैक्सपेयर्स, बराबर ना? तो हमारे पैसों से ये सब स्कैम्स होके ये लोग इंडिया के बाहर वैकेशन मना रहे हैं. सो दीज आर सम हिस्ट्री. फ्रेंड्स थिंक अबाउट इट, 7 साल 2011 से चल रहा था ये सब, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, स्विफ्ट मैसेजेस, नो एंट्री इन सीबीएस, एंड डायरेक्टली मेकिंग पेमेंट्स टू फॉरेन बैंक्स, मतलब डायरेक्टली गिविंग एलओयूज टू फॉरेन बैंक्स, एलओयू गिविंग पेमेंट टू एक्सपोर्टर्स. एंड 7 सालों में पीएनबी ने कोई स्विफ्ट मैसेजेस चेक नहीं किए कि उनके स्विफ्ट मैसेजेस में क्या एक्सचेंज हो रहा है. इन्होंने अपने फॉरेन बैंक के साथ जो नेस्ट्रो अकाउंट्स वगैरह चल रहे थे इनका भी कोई छानबीन नहीं किया, कुछ नहीं किया. बस सीबीएस में एंट्री नहीं हुआ, 7 साल से ये स्कैम चल रहा था, कैन वी इमेजिन? बट फिर अभी भी क्वेश्चन से ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था इसमें सब कुछ? केस का प्रोग्रेस ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते कब तक चलता है. ओके, सो फ्रेंड्स दिस वॉज द फैक्ट्स ऑफ नीरव मोदी केस एंड पीएनबी स्कैम. आई होप यू लाइक द प्रेजेंटेशन. ओके, दिस वर्क वॉज डन बाई फ्यू ऑफ माई टीममेट्स. ओके, इनमें से एक ही स्टूडेंट है, बाकी सब मेरे टीममेट्स है जिन्होंने इन पर काम किया है.
एंड ऑब्वियसली ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपने यूट्यूब चैनल देखना चाहिए प्रशांत सरडा के नाम से. थैंक यू फ्रेंड्स.